धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में, लालगंज जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत, यहाँ की 50% आबादी आज भी अंधेरे और ढिबरी के सहारे गुजारा करती है। आज मानव जीवन में पूर्णतः यांत्रिक बन चुका है और ऊर्जा जीवन का अभिन्न मूलभूत जीवन बन चुकी है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के अभाव में मानव जीवन पंगुसा बन गया है। बिजली के चकाचौंध डिबरी वाली जीवन निश्चित ही हमारी सभी को शर्मसार करती है। मैं सदन के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री से कहना चाहती हूं कि लालगंज में पावर स्टेशन स्थापित किया जाए, साथ ही ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हमारे संसदीय क्षेत्र के अकलौलिया, फूलपुर, निजामाबाद, दीदारगंज।